हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास फिफ्थ इंग्लिश। ये केवीएस केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया आपको मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, सबसे पहले रीडिंग है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे, एक सीन और एक अनसीन। सीन पैसेज ये है आपका ओलिवर वाला। हालांकि ये जो पैसेज है ये आपकी बुक के किसी चैप्टर का नहीं है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स में ये दिया हुआ है। मुझे चैप्टर का नाम अभी याद नहीं है, आई थिंक माई एल्डर ब्रदर वाले चैप्टर में से है ये। तो इसको आपको रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ओलिवर वॉज अ 9-year-old बॉय। ओलिवर जो था वो एक 9 साल का लड़का था। ही लिव्ड विद अदर होमलेस बॉयज इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज हम बोलते हैं अनाथालय को, जहाँ पर ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, नहीं होते। तो वो बाकी जो होमलेस बॉयज थे जिनका घर नहीं था, उन्हीं बच्चों के साथ एक ऑर्फनेज में रहता था। द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज, ऑनर मतलब होता है मालिक। उस ऑर्फनेज का, उस अनाथालय का जो मालिक था उनका नाम था मिस्टर बम्बल। ही वॉज अ क्रूअल मैन। वो बहुत ही क्रूअल, बहुत ही क्रूर निर्दयी मैन आदमी था। एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो बॉयज़ को इल ट्रीट करता था। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री। बॉयज़ जो थे ऑर्फनेज के वो हमेशा भूखे रहते थे। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन 3 meals a day। ये बात सच है कि उन्हें दिन में 3 बार खाना दिया जाता था। बट ईच मील कंसिस्ट ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। लेकिन तीनों ही बार मील में खाने में उनको एक बाउल, एक कटोरा वाटरी सूप, पानी का सूप दिया जाता था। देवर ऑलमोस्ट स्टार्विंग। वो लगभग भूख से मर रहे थे। स्टार्व करना यानी कि जब आप कई दिनों से भूखे हो उसको स्टार्विंग बोलते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। तो ये डिसाइड किया गया कि अब वो जो उनका मास्टर है ओलिवर बम्बल, उनसे और सूप मांगेंगे। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर। और ये जो टास्क है ये ओलिवर को दिया गया करने के लिए। व्हेन ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन होल, जब सभी बच्चे उस कोल्ड स्टोन होल में जहाँ पर वो खाना खाते इकट्ठे हो गए फॉर द इवनिंग मील, अपने इवनिंग मील के लिए, द सूप वॉज सर्व्ड, इट सून डिसअपीयर। डिसअपीयर हो जाना मतलब गायब हो जाना। सूप सर्व किया गया बिल्कुल जल्दी ही वो एकदम खत्म भी हो गया। द बॉयज विस्पर टू वन अनदर, एक दूसरे के कान में उन्होंने विस्परिंग शुरू की, फुसफुसाना शुरू किया। एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटल, और एक बच्चे ने ओलिवर को थोड़ा सा आगे पुश कर दिया क्योंकि वो बोलने वाला था और सूप मांगने वाला था। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर ने एक ब्रेव, बहादुरी वाला एक एफर्ट दिखाया, कोशिश की, स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। एंड सेड ट्रेम्बलिंगली, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, डर से कांपना, उसको ट्रेम्बलिंग बोलते हैं। और कपकपाते हुए उसने बोला, प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर, सर मुझे थोड़ा सा और सूप चाहिए। ओके, ये था आपका पैसेज। अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। सबसे पहला है ओलिवर लिव्ड इन, ओलिवर कहाँ रहता था, एक कैसल में, ऑर्फनेज में, कॉटेज में, एक महल में, एक कॉटेज झोपड़ी में, या फिर एक ऑर्फनेज में। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, वो एक ऑर्फनेज में रहता था। मिस्टर बम्बल वॉज द डैश ऑफ ऑर्फनेज। मिस्टर बम्बल ऑर्फनेज के क्या थे, ओनर, वार्डन या फिर सेक्रेटरी, वो वहाँ के ओनर, वहाँ के मालिक थे। विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। ही इज़ अ काइंड मैन, वो एक दयालु आदमी था। ही इज़ अ हेल्पफुल मैन, ही इज़ अ क्रूअल मैन। सो सी ऑप्शन सही है, बॉयज़ को खाना नहीं देता था और उनसे काफ़ी काम भी कराता था। द मील गिवन टू द बॉयज़ वॉज, मील जो बॉयज़ को दिया जाता था, अ बाउल ऑफ वाटरी सूप, वो वाटरी सूप होता था, बाउल ऑफ फ्रूट जूस होता था, या फिर अ बाउल ऑफ राइस। तो उनको हमेशा वाटरी सूप, ए ऑप्शन सही है, दिया जाता था। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द बॉयज़ वर ऑलवेज हंग्री, लड़के हमेशा भूखे रहते थे। द बॉयज़ वर गिवन 3 meals a day, 3 times उनको खाना दिया जाता था। द बॉयज़ वर ट्रीटेड वेल इन ऑर्फनेज, सी ऑप्शन ये सही नहीं है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसने रॉन्ग ही पूछा था कौन सी है। द वर्ड स्टार्विंग मीन, स्टार्विंग का मतलब क्या होता है, वेरी हंग्री, वेरी हैप्पी, सैटिस्फाइड, बहुत भूख जब आपको लगी हो, ऑलमोस्ट स्टार्विंग मतलब भूखो मरना जिसको आप हिंदी में कहते हैं। सो वेरी हंग्री। टू वैनिश मीन्स, वैनिश हो जाना मतलब गायब हो जाना।
appear, disappear, visible. So disappear. The task fell to Oliver Mills. Task Oliver को मिला, इसका क्या मतलब है? Oliver was made to serve the meal. Oliver को अब meal serve करना था. Oliver was made to ask for some more soup. Oliver को कुछ और soup मांगना था. Oliver was made in charge of orphanage. Oliver को in charge बना दिया गया orphanage का. So B option correct है. Task था और soup मांगना, और वही काम उसको मिला था. The boys assembled in the Coldstone Hall for, boys जो है Coldstone Hall में किस लिए assemble हुए थे, इकट्ठा हुए थे? प्रेयर के लिए, डिस्कशन के लिए, इवनिंग मील के लिए. सो इवनिंग मील के लिए सी ऑप्शन सही है. गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल बताइए. सो द क्रूअल ऑनर भी हो सकता है, द ऑर्फेनेज भी हो सकता है, ब्रेव बॉय ऑलिवर भी हो सकता है, या द ऑर्फन बॉयज भी हो सकता है. कुछ भी आप जो टाइटल इसको देना चाहे, द ऑर्फेनेज ज़्यादा सही रहेगा. तो ये आप रख सकते हैं. नेक्स्ट, अब ये एक पैसेज है जो अनसीन है, जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा. सो पहले इसको अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसमें भी नीचे वही क्वेश्चंस हैं सेम जैसे ऊपर आपने देखे. मिनी इज अ चीयरफुल गर्ल ऑफ 5 ईयर्स. मिनी जो है बहुत खुश रहने वाली लड़की है 5 साल की. वन डे शी एक्साइटेडली टोल्ड हर मदर. एक दिन उसने बहुत एक्साइटेड होकर अपनी मदर से कहा, माँ देर इज़ अ टैलेंट शो इन आर स्कूल. हमारे स्कूल में एक टैलेंट शो है. द बेस्ट 5 परफॉर्मर्स विल बी चूजन एज टैलेंट किड्स ऑफ द ईयर. जो बेस्ट 5 परफॉर्मर्स होंगे उस शो में, उनको एज टैलेंट किड्स ऑफ द स्कूल दिया जाएगा ऑफ द ईयर. आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग. मैं एक गाना गाने वाली हूँ, मिनी कहती है. हर मदर न्यू दो शी वॉज अ गुड इन सिंगिंग. शी वॉज गुड इन सिंगिंग. उनकी मदर जानती थी कि वो सिंगिंग में अच्छी है. She was better at narrating a story. लेकिन वो कहानी सुनाने में ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा उसकी मदर को लगता है. She gently asked. उसकी मदर उससे प्यार से पूछती है, मिनी कैन यू टेल मी अ स्टोरी. क्या तुम मुझे एक स्टोरी सुना सकती हो? मिनी वॉज हैप्पी. मिनी बहुत खुश होती है. एंड पैशनेटली नरेटेड अ शॉर्ट स्टोरी इन एन एक्सेलेंट मैनर. और बहुत अच्छे से एक छोटी स्टोरी सुनाती है. मदर से मदर कहती है, इफ़ यू फॉलो योर पैशन. अगर तुम्हारा जो पैशन है तुम उसको फॉलो करो. एंड प्रैक्टिस विद पेशेंस. और पेशेंस से आराम से प्रैक्टिस करो. यू कैन अचीव परफेक्शन. तो तुम परफेक्ट हो सकती हो उस काम में, परफेक्शन को अचीव कर सकती हो. रिमेंबर दीज 4 P's मिनी. रिमेंबर वॉट हर मदर सेड. ये जो 4 P है इनको ध्यान रखना. कौन से 4 P? पेशेंस, प्रैक्टिस, पैशन एंड परफेक्शन. ओके, पैशन, प्रैक्टिस, पेशेंस, परफेक्शन, ये 4 हमेशा ध्यान रखना. शी टोल्ड द सेम स्टोरी इन द टैलेंट शो. टैलेंट शो में वो वही कहानी सुनाती है जो उसने उनकी मदर को सुनाई थी. शी परफॉर्म वेल. अच्छे से वो परफॉर्म करती है. एंड वॉज सिलेक्टेड एज टैलेंट किड 1 among the 5. और उन 5 जो बच्चे चूज़ किए गए थे उनमें से एक, वो भी टैलेंट किड चूज़ की, एज टैलेंट किड चूज़ की जाती है. ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. देर वॉज अ डैश इन मिनी स्कूल. मिनी के स्कूल में क्या था? टैलेंट शो, डांस कॉम्पिटिशन, या फिर एक एग्जीबिशन? सो ए ऑप्शन करेक्ट है. हाउ मेनी किड्स विल बी चूजन फॉर द अवार्ड. अवार्ड के लिए कितने बच्चों को चूज़ किया जाना था? 10, 5 या 3? 5 बच्चों को. बी ऑप्शन सही है. मिनी वॉज गुड इन. मिनी किस में अच्छी थी? डांसिंग, ड्राइंग, सिंगिंग. सिंगिंग में अच्छी थी लेकिन वो ज़्यादा अच्छी स्टोरी को नरेट करने में थी. मिनी नरेटेड डैश टू हर मदर. मिनी ने अपनी मदर को क्या सुनाया? स्टोरी, इंसिडेंट, अ प्ले. सो शी नरेटेड अ स्टोरी. विच स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी वॉज अ चीयरफुल गर्ल. बिल्कुल सही है. लेजी नहीं थी, अनहैप्पी नहीं थी. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. द 4 P's इन द पैसेज स्टैंड फॉर. 4 P कौन से हैं जो पैसेज में आए हैं? पैशन, प्रैक्टिस, पीस, परफेक्शन. पैशन, प्रैक्टिस, परफेक्शन, परफॉर्मेंस. पैशन, प्रैक्टिस, पेशेंस एंड परफेक्शन. सी ऑप्शन सही है. अगर कोई पैशन है आपका, किसी चीज़ में कुछ करने की चाह है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और पेशेंस रखिए. ये नहीं कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल गया, हम तो फर्स्ट नहीं आए, ऐसा कुछ करके आप छोड़ दें. पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो एक दिन आप परफेक्शन को ज़रूर अचीव करेंगे. द वर्ड एक्सेलेंट मीन्स. एक्सेलेंट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बेटर, एक्सट्रीमली ओके, बहुत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड. मिनी वॉज बेटर एट. मिनी किस में ज़्यादा अच्छी थी? रिसाइटिंग अ पोएम, एक्टिंग अ प्ले, नरेटिंग अ स्टोरी. सी ऑप्शन सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? मिनी वॉज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द टैलेंट किड. ये तो सही है. मिनी फॉलोड द 4 P's. ये भी सही है. मिनी वॉज नॉट सेलेक्टेड. ये नहीं सही है. वो सेलेक्ट नहीं हुई थी. ये गलत स्टेटमेंट है. इन्होंने कहा है गलत चूज करिए जो ट्रू नहीं है. सो सी ऑप्शन सही होगा. द बेस्ट परफॉर्मर्स विल बी चूजन एज अ. बेस्ट परफॉर्मेंस को
क्या एज क्या चूज़ किया जाना था? टैलेंट किड ऑफ द मंथ, टैलेंट किड ऑफ द वीक, टैलेंट किड ऑफ द ईयर। सी ऑप्शन सही है। ओके, ये था आपका अनसीन पैसेज। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के। व्हाई वॉज जेन क्वाइट इन द क्लास? जेन क्लास में शांत क्यों रहती थी? सो आप लिखेंगे जेन वॉज क्वाइट इन द क्लास बिकॉज शी वॉज क्वाइट बाई नेचर। क्योंकि बाई नेचर ही वो क्वाइट थी, ऐसा नहीं कि वो परेशान थी या दुखी थी इसीलिए। वॉट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे? फ्रॉग सारा दिन क्या करता था? द फ्रॉग लॉल्स ऑन अ लॉग। आराम करता था एक लकड़ी के बड़े से लॉग के ऊपर ऑल डे। व्हाइट वॉट काइंड ऑफ मैन वॉज रिप वैन विंकल? रिप वैन विंकल कैसा आदमी था? सो इसका आंसर आप लिखेंगे रिप वैन विंकल वॉज अ काइंड नेबर, बहुत काइंड नेबर था, अ गुड नेचर्ड मैन, गुड नेचर्ड मैन, बहुत अच्छे नेचर का था। ही लव्ड द चिल्ड्रन एंड अ गुड नेचर मैन, ही लव्ड द चिल्ड्रन, वो बच्चों को बहुत प्यार करता था, लेकिन एक बुराई भी थी, वो भी ऑब्वियसली लिखेंगे इसमें। बट ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेजी भी था। ओके, अच्छाइयाँ हैं कि काइंड हार्टेड था, गुड नेचर्ड था, ओके, एंड बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके साथ खेलता भी था, लेकिन लेजी भी था। हुज़ कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? ये अब आपके लिए, आपको किसका कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आया, मुन्ना या भैया, और क्यों? इसका आंसर मैं लिखवा चुकी हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बच्चों को मुन्ना ज़्यादा अच्छा लगा होगा बिकॉज वो सारे काम में परफेक्ट था, खेलता भी था, लेकिन क्लास में टॉप भी करता था, जब पढ़ता था तो मन लगा के शायद पढ़ता होगा। कई बच्चों को भैया अच्छे लगेंगे क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे और वो इसलिए नहीं खेलने जाते थे या कोई भी ऐसा काम करते थे, क्योंकि वो मुन्ना को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर वो भी खेलेंगे तो मुन्ना फिर उनकी बात नहीं सुनेगा। तो जो भी आपको ठीक लगेगा इसमें वो आप आंसर लिखेंगे। वॉट मेड रॉबिन्सन थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट? किस वजह से उसको ये लगा कि ये फुट प्रिंट है? क्योंकि उसमें फुट प्रिंट की सभी चीज़ें थी, हील थे, टोज थे, सभी चीज़ें। इसका आंसर आप लिखेंगे रॉबिन्सन थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुट प्रिंट बिकॉज इट हैड हील्स, टोज एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन फुट। ह्यूमन फुट के जितने भी पार्ट्स होते हैं सभी उसको उसमें दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसको लगा कि ये, पता लगा कि ये फुट प्रिंट है। वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज ने क्यों वो चिल्लाने लगी हेल्प के लिए? बिकॉज दे कॉट इन हंटर्स नेट। दे कॉट क्योंकि वो पकड़ी गई थी जो शिकारी है उसके जाल में, हंटर्स नेट, और वो भी अपनी बेवकूफ़ी और इग्नोरेंस की वजह से ऑब्वियसली। ओके, सो ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पर। डिस्क्राइब द पिक्चर इन योर ओन वर्ड्स। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। ये यहाँ पर आई थिंक एक पार्क का सीन है, लोग देखिए वॉक के लिए गए हुए हैं, बच्चे फ्लावर्स को क्या कर रहे हैं, ये आई थिंक दे आर वॉटरिंग द फ्लावर। पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है आप वो लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले तो कहाँ की पिक्चर है। दिस पिक्चर इज ऑफ अ गार्डन, इज ऑफ अ गार्डन, पीपल आर वॉकिंग ओनली। चलिए ठीक है, पीपल आर वॉकिंग, चिल्ड्रन आर वॉटरिंग द प्लांट्स। आई एम नॉट श्योर ये कर क्या रहे हैं, बट स्टिल चलिए, वॉटरिंग द प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक सीन आपको दिखाई दे रहा है, एक बच्चा आई थिंक ये फ्लावर को प्लक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो दिस मैन इज स्कोल्डिंग हिम, ये जो आदमी है ये इसको डांट रहा है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ नंबर, अ मैन इज स्कोल्डिंग अ बॉय, एक आदमी एक लड़के को डांट रहा है बिकॉज या फिर एज ही इज प्लकिंग फ्लावर्स, क्योंकि वो फूल तोड़ रहा है इसीलिए। ओके, अब बच्चों का हो गया, ये घूम रहे हैं लोग। ग्रीनरी के बारे में आप लिख सकते हैं, देर आर ग्रीनरी एवरीवेयर, या फिर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन, वी कैन सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, या फिर और क्या, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। जो भी पिक्चर में आपको दिखाई दे, बस सेंटेंस की थोड़ा सा फ्रेम सही से करना, और ईजी जो आपके सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसी में लिखना, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। ओके, चलिए आपके 5 सेंटेंसेज हुए, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग अबाउट योर स्कूल एक्टिविटीज़। अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए जिसमें आप उसको अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे।
एक इनफॉर्मल लेटर ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा इस बार, बिकॉज आपको एक चैप्टर के एंड में दिया भी हुआ है, आई थिंक माई एल्डर ब्रदर वाले में ही है, जहाँ पर एक बच्चा अपनी मदर को हॉस्टल से एक लेटर लिखता है, वहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया गया है। तो ये हाफ ईयरली के सिलेबस में है। किस तरीके से लिखते हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर भी आप रहते हैं, हाउस नंबर सबसे पहले मान लीजिए A20, शहर का नाम क्या है या फिर कॉलोनी का नाम क्या है, मान लीजिए सरोजनी नगर, फिर नीचे सिटी न्यू दिल्ली 110023। उसके बाद डेट लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर में, जब आप अपने फ्रेंड को अपनी किसी रिलेटिव को लिखते हैं, कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते, डेट लिखेंगे। मान लीजिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, आज ही ऑन 11th of September, 11th September, और डेट वैसे नहीं लिखनी 11/9/20, ऐसे नहीं, प्रॉपर इस तरीके September 2021। ओके, लास्ट में डियर, जो भी उसका नाम है, मान लीजिए सारा नाम है, डियर सारा। ओके, स्टार्टिंग डायरेक्ट यहीं से नहीं करनी है कि मेरे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ होती है या हुई है, पहले थोड़ा सा आप हालचाल पूछेंगे, किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं लेटर को। तो आप लिखेंगे हाय या हेलो, जो भी है, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, आई एम फाइन हेयर। अब ये आप आंसर नहीं कर रहे हैं, आप बता रहे हैं खुद का, आई एम फाइन हेयर, या फिर चलिए इस तरीके से लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आई एम फाइन, पहले आप अपना हाल बता दीजिए, मैं ठीक हूँ, होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, उम्मीद है कि तुम भी अच्छी होगी, डूइंग वेल, क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते हैं। ओके, ये लाइन आप कोई भी इनफॉर्मल लेटर आए उसमें डाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक, बिकॉज बहुत बड़ा इतना स्पेस भी नहीं है, बहुत बड़ा लेटर आपको लिखना भी नहीं है। यू नो दैट आई लव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज़। तुम जानती हो कि मुझे डिफरेंट स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना कितना अच्छा लगता है। रिसेंटली आई गॉट फर्स्ट प्राइज़, अभी रिसेंटली ही मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, कोई भी एक कॉम्पिटिशन का नाम दे दीजिए, मान लीजिए इन पोएम रेसिटेशन, पोएम रेसिटेशन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है, ओके, आर स्कूल हेल्ड मैनी एक्टिविटीज़, हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के नाम लिख दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको हटाना पड़ेगा बिकॉज़ वी हैव टू मूव, ओके, लाइक स्किट्स, डांस एंड सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आई पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ देम, और मैं उनमें से ज़्यादातर में पार्टिसिपेट करती हूँ। ओके, अब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा है, एक दो लाइन में वो भी आप लिख सकते हैं। सच एक्टिविटीज़ या फिर सच कॉम्पिटिशन्स ब्रिंग आउट द क्रिएटिविटी इन अस, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको ये बाहर लाते हैं इन अस। ओके, बस आई थिंक दैट्स ऑल। एक अगर आप कोई चाहे तो, रिसेंटली वी सेलिब्रेटेड टीचर्स डे, टीचर्स डे हमने सेलिब्रेट किया, वी मेड मैनी कार्ड्स फॉर द टीचर्स, ऐसा अगर कुछ लिखना चाहे, टाइम अगर लाइन और टाइम है आपके पास तो वो सब चीज़ें भी आप एक दो लाइन में लिख सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे से माई नमस्ते टू अंकल एंड आंटी, उन्हें मेरी नमस्ते कहना, एंड दैट्स ऑल। लास्ट में आप लिखेंगे योर फ्रेंड और अपना नाम। ओके, तो इस तरीके से लेटर आपको लिखना है। फॉर्मेट का थोड़ा सा ध्यान रखना, बीच में जो लेटर की बॉडी है उसको तो आप कितना भी बढ़ाना चाहे, कितना भी कम करना चाहे वो कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन मैंने आपको बता दी है, वो याद रखना, लास्ट लाइन ये है और बीच की
में जैसा भी आप जो भी लेटर में पूछा गया है बताने के लिए पूछने के लिए वो लिखेंगे। चलिए आगे आते हैं। राइट अ नोटिस ऑन ड्रामा कमिटी। नोटिस राइटिंग फोर्थ क्लास में भी था आपके सिलेबस में और फिफ्थ में भी है। तो सबसे पहली बात तो ये नोटिस हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी बॉक्स बना के दिया हुआ है, अगर नहीं होगा तो आप बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नोटिस, उसके बाद स्कूल का नाम, जो भी आपका स्कूल है का नाम है, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय KVINA कॉलोनी। उसके बाद नीचे किस कंपटीशन के बारे में बात हो रही है, क्या था ये, आई थिंक ड्रामा कंपटीशन, ड्रामा कमिटी, इंटर क्लास या इंटर हाउस, इंटर हाउस कंपटीशन क्योंकि KVS में ज़्यादा होते हैं वही लिख देते हैं, इंटर हाउस ड्रामा कंपटीशन, कंपटीशन ये ऊपर आएगा आपका, क्या कंपटीशन है किस बारे में ये है। उसके बाद यहाँ पर डेट आएगी, मान लीजिए आप ये लिख रहे हैं ऑन 11th of September 2021 को ही डेट लिख दिया आपने। अब नीचे आप शुरू करेंगे, आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजिंग, आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन, चारों हाउसेस के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, एन इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर आपको नेसेसरी डिटेल लिखनी है। ध्यान रखिएगा जो आपका नोटिस है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, या जितना बड़ा होगा वो नेगेटिव जाता है, उसमें आपको कम मार्क्स मिलेंगे। टू द पॉइंट आपको बात करनी है, क्या कॉम्पिटिशन है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कब होगा, कहाँ आपने नाम देने हैं, बस जिसको देना हो, जो इंटरेस्टेड हो वो उसमें देख के, बच्चा आप नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे देख के, जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे एक्ट करेगा। ओके, सो पहले तो आपने बता दिया इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना है, कब, ऑन मान लीजिए कमिंग फ्राइडे को, फ्राइडे, और उस दिन डेट क्या होगी, 17th of September, इस दिन कर रहे हैं। ओके, कहाँ पर कर रहे हैं, इन स्कूल लाइब्रेरी मान लीजिए, फिर स्कूल ऑडिटोरियम जहाँ पर भी आप लिखना चाहें, स्कूल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ये कंपटीशन होगा। कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 10th कैन पार्टिसिपेट, 3rd से लेके 10th तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब किसको नाम देने हैं, पार्टिसिपेट मतलब कैसे वो आगे जाए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन give their names to, या तो कोई टीचर को बता दीजिए, इन टीचर को दे, या फिर to their class teachers, क्लास टीचर्स को नाम दे दे, फिर वहाँ से आप कलेक्ट कर लेंगे। दैट्स ऑल, इतना ही है, और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम हो, मान लीजिए आपका नाम है राहुल, और यहाँ पर आप क्या है, किस उससे ये आपने लिखा है, हेड बॉय है या फिर हेड गर्ल है, या फिर जो भी है क्लास मॉनिटर है कहीं के, या फिर वो नहीं भी लिखेंगे अगर क्या पोजीशन है तो भी कोई बात नहीं, लास्ट में आपका नाम आएगा। ये है आपका फॉर्मेट आपके नोटिस का। ध्यान रखिएगा नोटिस सबसे पहले लिखना है, सभी कैपिटल लेटर्स में होंगे, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। यहाँ पर जिस कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, कई बार ये CCA के बारे में भी लिखने को आ जाता है, CCA में ये कॉम्पिटिशन है आपको लिखना है उसके बारे में। देन लेफ्ट कॉर्नर में डेट आएगी, यहाँ पर दो वर्ड्स की जगह छोड़नी है, फिर आप स्टार्ट करेंगे, आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, ऑन दिस डे एंड दिस डेट, कहाँ पर, इन म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी हॉल, जहाँ पर भी, ऑल स्टूडेंट्स, किस क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और क्या उनको किस तरीके से कहाँ पर नाम देने हैं, और लास्ट में आपका नाम। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन है। वैसे अक्सर ग्रामर पहले और आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला बाद में होता है, पर चलिए कोई नहीं। द कुक डैश द कर्ड, कुक ने कर्ड को क्या किया, स्मैश्ड और विप किया। विप करना मतलब फेंटना होता है ताकि वो मिक्स वेल अच्छे से मिल जाए। द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज डैश एज हनी बीज, एज थिक एज हनी बीज, फर्स्ट पोएम से लिया गया है। इट वॉज जॉयफुल साइट, देखने में वो बहुत जॉयफुल लग रहा था। अवर्ड दैट राइम्स विद ब्लेज, ब्लेज के साथ मेज या फेस, क्या राइम करेगा, मेज ऑब्वियसली, ज की साउंड आ रही है, फेस में स की साउंड आ रही है। फ्रेम क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, इसका एक क्वेश्चन बनाइए, सो हु आर प्लेइंग, या फिर व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट चिल्ड्रन
आर डूइंग, दोनों ही क्वेश्चन सही है, बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर कौन खेल रहा है, तो दोनों में आंसर यही होगा। क्वेश्चन फ्रेम करने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, बिकॉज ये आपके आई थिंक किसी चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं है, बट एक चैप्टर में है ये लास्ट में। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस। आई वेंट टूवर्ड फुटप्रिंट लार्ज द, सो आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। इसको ज़्यादा इन्होंने आगे पीछे नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट तो आपको यहाँ से मिली रही है टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट, फुटप्रिंट। चलिए नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट फॉर्म हैज नॉट हैजंट देयर इज देयर्स। नेक्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म यू हैव डू नॉट। ये आप थर्ड क्लास से ही पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म एंड एक्सपांडेड फॉर्म। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक। द चिल्ड्रन वॉक डैश द ब्रिज। बच्चे ब्रिज के अंदर तो ऑब्वियसली वॉक नहीं करेंगे, ब्रिज के ऊपर से करेंगे, पुल के ऊपर से, सो ऑन द ब्रिज। ये आपकी प्रीपोजिशंस हैं। द एंट फेल इन टू द वॉटर। पानी के अंदर वो गिर गई। वेयर इज द चाइल्ड। वो बच्चा कहाँ है? हुज पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स हैव कम आए हैं। आई डिड नॉट कम टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं आया था। डैश आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। इसलिए मैं बीमार नहीं था क्योंकि मैं स्कूल नहीं आया था। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। डैश डांस एंड डांस ऑल्सो, डांस भी कर सकता हूँ। रामू इज इल, रामू बीमार है। हिज पेरेंट्स आर, उसके पेरेंट्स क्या होंगे? चिंता में होंगे ऑब्वियसली, शॉक वाली कोई बात इसमें है नहीं। यू विल डैश मी चेस, यू विल टीच मी चेस। टीच और लर्न का अच्छे खासे कई सेंटेंसेज आपको दिए हुए हैं आपकी एक चैप्टर के लास्ट में। सो लर्न मतलब सीखना होता है, टीच मतलब सिखाना। नो बडी हैज सीन हिम, किसने उसको सिंस यस्टरडे, कल से देखा नहीं है। प्लीज वेट विद मी टिल द बस अराइव, जब तक बस ना आ जाए तब तक। टिल मतलब जब तक, तब तक आप प्लीज़ मेरे लिए वेट करिएगा। आई लाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध ज़्यादा पसंद है। आई डैश कोल्ड मिल्क, आई डिसलाइक। ओके नेक्स्ट। अब स्पेलिंग्स आती है। नो नोन टू यू, एक चीज़ जिसे आप जानते हैं उसको फेमिलियर बोलते हैं, FAMILIAR। इससे मैं फेमिलियर हूँ, मतलब ये जानी पहचानी है। टाइम टेबल को स्केड्यूल कहा जाता है, SCHEDULE। आप इसको शेड्यूल भी प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर स्केड्यूल भी कर सकते हैं। ऑक्यूपाइड ड्वेल, या फिर जहाँ पर कोई रहता है, ऑक्यूपाइड है, उसको इनहैबिटेड बोला जाता है। ये उस वाले चैप्टर से लिया गया है जिसमें जो रॉबिन्सन क्रूज़ लास्ट में वो एक सेंटेंस बोलता है, द आइलैंड इज़ इनहैबिटेड, मतलब मेरे अलावा भी कोई इस आइलैंड पर रहता है। अनस्क्रैम्बल करिए वर्ड्स को ताकि मीनिंगफुल वर्ड बने। नेम ऑफ अ पोएम, ये आपकी एक पोएम है, WOTERKAM। कौन सी पोएम है? KAM, आपकी बुक की आइसक्रीम मैन नहीं है, देन ओ टीम वर्क, टीम वर्क है दिस इज, सॉरी। ये देखिए TEAMWORK, काफ़ी इसको जंबल किया गया है। अगर वैसे ना देते, नेम ऑफ पोएम ना देते, ये हिंट ना देते, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको अनस्क्रैम्बल करना। चलिए कोई बात नहीं, टीम वर्क। नेक्स्ट इज ICCRTKE, ये हम पता वैसे भी लगा सकते हैं, टीम गेम है ये, क्रिकेट, CRICKET। नेक्स्ट इज नेम ऑफ अ डे, ये वेनसडे है, W ऑब्वियसली उसी में आता है, वेनसडे। ओके नेक्स्ट, एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बताइए कौन से। ट्रेडिशनल की सही स्पेलिंग है TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। मटर MUTTERED, मटर करना मतलब धीरे धीरे बोलना, ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले से चला आ रहा है। सरप्राइज SURPRISE। शैडो SHADOW, शैडो। ओके नेक्स्ट, अब हैंड राइटिंग है, जो ऊपर लिखा है वो आपको साफ साफ राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। चेंज योर सेल्फ इमेज, कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, बस जो ऊपर लिखा है वही लिखना है। ये हैंड राइटिंग 5 मार्क की होती है, एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन पेपर आपका फिनिश होता है। आई एम श्योर थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर हुआ होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे अभी टाइम है बहुत सारा, किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।